नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं अजीज सरदार आपको एक नया वीडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं पोल्ट्री के इनकम को लेकर बात करूँगा कि मेरा एक महीने में कितना सैलरी बनता है, मतलब मैं एक बेच में पोल्ट्री में कितना कमाता हूँ उसके बारे में बात करूँगा। तो वीडियो बने रहना दोस्तों और वीडियो को लास्ट तक देखना। दोस्तों, पोल्ट्री का जो बैच रहता है का जो बैच है 40 दिन में निकल जाता है, लेकिन उसका फिर से नया बैच आने में शुरू से लेकर साफ सफाई से लेकर नया बैच आने में 2 महीने लग जाएगा। तो एक एवरेज पकड़े तो 2 महीने में एक बैच निकलेगा, ये सोच लेना। हालांकि 10-5 दिन बच जाता है, लेकिन उसको छोड़ के 5 से 7 दिन बचेगा, लेकिन उसको छोड़ के 1-2 महीने का पैकेज पकड़ते हैं, 2 महीने में एक बैच निकलेगा, इसे सोच के चलते हैं। तो चलिए फिर मैं बात करता हूँ मेरा इनकम के बारे में कि मैं 2500 में एक महीने में कितना कमा लेता हूँ और आगे कितना कमाऊँगा उसके बारे में बात करता हूँ। दोस्तों, पोल्ट्री में एक निश्चित वो नहीं है कि आप इतना मतलब वो अब इतना कमा लोगे, लेकिन एक एवरेज तो है दोस्तों कि आप इतना कमा सकते हो। पोल्ट्री में बहुत मिलने से बहुत मिलता है, मिलने से कम भी मिलता है, लेकिन एक एवरेज पकड़े दोस्तों 2500 का बर्ड अगर पालते हो दोस्तों, तो आपका 1 लाख महीने में बनेगा ही, महीने का नहीं मतलब एक बैच में अगर एक बार बेचते हो 2500 का बेच तो आपको 1 लाख रुपये प्रॉफिट होगा। अगर उसका एक महीने में करते तो आपको 50-55 हज़ार मिलेगा, क्योंकि सैलरी 2 महीने का नहीं मिलता, 1 महीने में एक सैलरी मिलता है। तो उसके बारे में बात करते हैं, तो अगर 1 लाख मिलता है आपको 2 महीने में, तो उसका आधा 50 हज़ार, तो मतलब आपको एक महीने में 50 हज़ार आप कमा रहे हो 2500 के चिक्स बर्ड मतलब फार्म में। मेरा तो नया फार्म बन रहा है दोस्तों, नया फार्म बनेगा तो 1 साल तक उसको मैं खुद फीड बनाता हूँ दोस्तों। आप जानते होगे कि अब नहीं जानते होगे तो वीडियो देख लेना, चैनल में है फीड बनाने का फार्मूला। तो मैं खुद फीड बनाता हूँ, बाद अभी 2500 की है, तो अगर ये बढ़कर अगर 4-5 हज़ार तक जाएगा, 5-6 हज़ार तक, तो हाथ से मिक्स करना बहुत मेहनत वाली काम है दोस्तों। तो उस टाइम मैं मिक्सचर लेने की सोच रहा हूँ अगले साल, इस साल तक 1 साल तक मैं 2 लेबर लेके और 2000 का पोल्ट्री फार्मिंग में बढ़ रहा है, तो 4500 में पाल लूँगा। थोड़ा मेहनत लगेगा दोस्तों, लेकिन पाल लूँगा, 1 साल तक मेहनत करूँगा। उसके बाद सोचा हूँ कि मिक्सचर लेने की सोचा हूँ, उसका मैं वीडियो डालता रहूँगा कंटिन्यू, क्या कर रहा हूँ मतलब अपनी लाइफ में एक ब्लॉग टाइप डालना दोस्तों। तो अगर उसको देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, इस चैनल में मैं डालता रहूँगा कि मैं पोल्ट्री फार्मिंग में कितना आगे जा रहा हूँ। दोस्तों, आप पोल्ट्री फार्मिंग खोलना चाह रहे हो तो डरिए मत, क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग जब शुरू में कोई खोलता है ना, तो उसका मन में डर रहता है कि मैं इसको कहाँ सेल करूँगा, डर रहता है। मेरे मन में खुद ऐसी था कि मैं इसको सेलिंग कहाँ करूँगा, लेकिन एक बार चिक्स डालने के बाद बड़ा होते होते एक बैच रेडी होते होते आपका इतना पहचान हो जाएगा ना पोल्ट्री फार्मिंग वाले से, तो आपको सेल हो ही जाएगा खुद से। डर लगे कि आप इसको बेचूंगा कहाँ, ये मत सोचिए, आप चीज डालिए, चिक्स बड़ा होते तक आपका पहचान हो ही जाएगा, क्योंकि मेरे खुद से हुआ है। आपको खुद कॉल करेंगे कि आपका माल रेडी हुआ है कि नहीं जानने के लिए। तो अगर आप खोलना चाह रहे हो तो बिंदास खोल सकते हो दोस्तों, इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में बताना, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस चैनल में मैं वीडियो डालता रहता हूँ पोल्ट्री से जुड़े, जो आपको लाभ कर दे सकता है। चलिए फिर, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।